सबके हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो उसकी उपासना ही उसकी ही कर्तव्य है बताया, कर्तव्य है बताया। तो हम जो भी सेवा करते हैं उसका सामर्थ्य हमको किससे मिलता है? गुरु से मिलता है, उस परमपिता परमेश्वर से मिलता है जो हर जगह विद्यमान है, और उसने हमको कुछ कमाई करने के लिए भेजा है। किसके लिए भेजा है? सच्ची कमाई। सच्ची कमाई क्या है? सच्ची कमाई यह है कि हमारी जो सेवा सत्कार परोपकार की भावना है, क्योंकि ये सारा संसार एंट से लेकर के एलिफेंट तक, चींटी से लेकर के हाथी तक, कीड़ी कुंजर हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा, ये जो कुछ भी फूल पत्तियां वनस्पतियां हैं, ये किसके लिए है? सेवा के लिए ना। तरुवर फल रही खात है, नदी ना पिए नलीर। ये नदी, ये पर्वत, ये फलदार वृक्ष किसके लिए है? परोपकार के लिए है कि नहीं? तो हमारा जीवन परोपकार के लिए ईश्वर ने दिया है, हमारा जीवन सेवा सत्कार के लिए दिया है। और याद रखना, जो ऐसा कार्य करता है, सेवा का कार्य करता है, वो देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? अच्छा, मेरे साथ हाथ जोड़िए एक बार और बोलिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, इदं राष्ट्राय इदं मम, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। अब देखो, ये सब हमको जीवन देते हैं, माता पिता गुरु अतिथि धरती माता हमको जीवन देते हैं, इसलिए इनको देवता कहा। उपनिषदों में वेदों में क्या कहा इनको? देवता। और देवता किसको कहते हैं? जो देता है, हमको जान देता है, शक्ति देता है, भक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। हमारा कर्तव्य क्या है? केवल लेने का या बदले में देने का? तो अगर हम केवल लेते ही लेते रहेंगे तो देवता बनेंगे क्या? कभी देवता, बदले में हमको देना भी है। अगर हम देंगे तो देवता बनेंगे, और लेते ही लेते रहेंगे तो लेवता बन जाएंगे। क्या बनेंगे? तो लेवता बनना है कि देवता? देवता। देवो भूत्वा यजे देवम, देव बनकर के, देवता बनकर के देवताओं की पूजा करनी चाहिए, देवता बनकर के देवता की पूजा करनी चाहिए। शिवो भूत्वा अर्चयत शिवम, शिव बनकर के तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, हमारे जीवन में वो शिवत्व आए, वो ऋषित्व आए। अगर हम जीवन को जी रहे हैं तो हमारे जीवन में ऋषियों जैसा ज्ञान, ऋषियों जैसा जीवन हमारा होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं कि अपना जीवन हमको ऐसा बनाना है जो लोग कहते थे कि यह राष्ट्र नेपाल राष्ट्र या भारतवर्ष ऋषियों का देश था। नहीं,
यह जीवन इतना सुंदर पवित्र बन जाए, इतना सेवा सत्कार का परोपकार का भाव बन जाए, इतनी निर्मलता आ जाए, इतनी शक्ति और भक्ति आ जाए कि आपके अंदर ऋषित्व घट जाए और लोग बोले ऋषि कैसे होते हैं, तो ऋषि ऐसे होते हैं। आपको देख करके लोगों के अंदर विश्वास जागे कि वास्तव में ऋषि कैसा है, तो साक्षात दर्शन कर लो, ऋषि ऐसा होता है। और वो गुरु भक्ति से, वो राष्ट्रभक्ति से, वो हमारे जीवन की जो शक्ति है, योग शक्ति से होगा, अध्यात्म शक्ति से होगा। और ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, ये जीवन बार बार मिलने वाला कुछ लोग बोलते कल करेंगे, परसों करेंगे, टुडे आई एम वेरी बिजी, टुमारो, अच्छा टुमारो, जब टुमारो आया फिर टुमारो, और फिर वो टुमारो होता है, थ्री मारो होता है, फोर मारो होता है, फाइव मारो होता है, और मारते मारते रहते फिर जीवन में कुछ कर। इसलिए नाउ इज द गोल्डन टाइम, अभी इसी वक्त इसी क्षण, इह चेद अवेदी तत् सत्यमस्ति न चेद इह अवेदी महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। हमारे गुरु ऐसे हैं, श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य जी महाराज का जीवन ऐसा है, वो कोई कार्य को कल में नहीं टालते, कल करेंगे ना, आज अभी जितना संभव है हमको अच्छा कार्य करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। इसमें संगठन हो तो इसमें घर परिवार हो, समाज हो, तो हमारे जीवन की पारदर्शिता, हमारे जीवन की समरसता, हमारे जीवन का जो सह अस्तित्व का भाव है उसमें कभी भी कोई आंच नहीं आनी चाहिए, और सांच को कभी आंच नहीं आती है। याद रखना, संगठन और संस्थान की सेवा में हमको बहुत सावधानी भी रखनी है, क्योंकि ये सेवा का कार्य सरल नहीं है, ये सेवा का कार्य सरल, लेकिन वही करते हैं जो सूरमा होते हैं, जो धीर वीर गंभीर होते हैं, वही सेवा करते हैं। सब सेवा का कार्य नहीं कर पाते, जो गाली प्रूफ हो जाते हैं, एक तो होते हैं जो अपने सुरक्षा कवच को, गोली कोई दागेगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, बुलेट प्रूफ हो गए तो गाली प्रूफ होना पड़ता है, ठीक है, क्या होना पड़ता है सेवक के लिए। अच्छा देखो, परम पूज स्वामी जी महाराज, परम पूज आचार्य जी महाराज योग आयुर्वेद को, स्वदेशी को, अपनी ऋषि परंपरा को देश और दुनिया तक पहुंचाया, अच्छा किया कि बुरा किया, बोली सभी बोली अच्छा किया कि बुरा किया, अच्छा किया, देश और दुनिया को जगाया, लेकिन कपाल भाती करके, आंवला एलोवेरा पी करके, दवा खा करके पतंजलि की, वो आकर के गाली देते हैं, फिर बोलो गाली देने वालों की कमी नहीं है। इसलिए दुनिया जो कहे उसको कहने दीजिए, संगठन वही चला सकता है जो दुनिया की परवाह नहीं करता, संस्थान वही चला सकता जो दुनिया की परवाह नहीं करता। आज पतंजलि योग पीठ के माध्यम से जो शिक्षा का, चिकित्सा का, स्वदेशी का, योग का आंदोलन, ये महायज्ञ चल रहा है, ये परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का, उनके तप का और उनके सहनशीलता का ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है। इसलिए दुनिया की कोई ताकत इसको हिला नहीं पाती, कितने लोगों ने ताकत लगाई, हजारों हजारों की संख्या में, पता नहीं कितने मुकदमे लगा दिया लोगों ने, और अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोग कुछ ना कुछ तो करते रहते, लोगों का काम है करना, लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम रुकना नहीं,
तुम थकना नहीं, झुकना नहीं, बिकना नहीं, चरे वेति अपने गुरु कार्य के लिए आगे बढ़ते रहना। ये इंसाफ हम बचपन में जब विद्यालय में पढ़ते थे तो आचार्य गण हमको सिखाते थे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना, एक सच्चे कार्यकर्ता की निशानी क्या है इसको सुनिए, दुनिया के रंज सहना पर मुंह से कुछ ना कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के इंसाफ की डगर पे, बच्चों दिखाओ चल करके। इंसाफ, ये हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार जो हमको गुरु ने दिया है, हमको हमारे ऋषियों ने दिया है, वेद उपनिषद की परंपरा के हम संवाहक बने, इसलिए हर हाल में हर काल में अपने कर्तव्य को सदा याद रखना है, इससे कभी पीछे हटना नहीं है। और अपनी मर्यादा में, जो संगठन की मर्यादा है, संस्थान की मर्यादा है, देखो बिना मर्यादा के तो कहीं कुछ भी होता नहीं, कि होता है, सुबह भी बता रहे थे ना, अथ योगानुशासनम, अनुशासन का नाम क्या है, योग, बंधन में ही सृजन है, बंधन में क्या है, मर्यादा का बंधन, नियम का बंधन, अनुशासन का बंधन। अच्छा देखो, 9 माह हम सब ने माँ के गर्भ में गुजारे कि नहीं गुजारे, अगर माँ के गर्भ में बंधन में नहीं होते, नस नाड़ियों के बंधन में नहीं होते तो जीवन का निर्माण होता क्या, बोलिए ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि बंधन में ही सृजन है, बंधन में ही क्या है, सृजन है। यदि बंधन में हम रहते हैं, मर्यादा के बंधन में, अपने अनुशासन के बंधन में रहते हैं, जो सेवा का दायित्व मिला है, चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, हम सबका जो परम ध्येय है वो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना और राष्ट्र को उन्नत बनाना, योग आयुर्वेद से, अपने संस्कृति संस्कारों से, अपनी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा से उसको आगे बढ़ाना, उसमें हमको कभी पीछे नहीं रहना है। बहुत सुंदर बात कही है कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हमारा जीवन वतन के लिए। और भगवान राम, जो पुरुषोत्तम राम हैं, जब कहते हैं लंका पर विजय प्राप्त हुई तो लक्ष्मण ने कहा, भैया हमको तो 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया था, ऐसा करते सोने की लंका मिली है, हमने जीता इसको, अब यही रह जाते, यही राजा बन जाते, यही रह जाते हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले लक्ष्मण, अपि स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण मैं ना रोचते, ये सोने की लंका मुझको अच्छी नहीं लगती, क्यों, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, क्योंकि जगदम्बा जगत जननी माँ का जो चरण है वो स्वर्ग से भी बढ़कर के है, और मातृभूमि जननी जन्मभूमि चा, मेरी माँ मेरी मातृभूमि वो स्वर्ग से भी बढ़कर के है, इसलिए अपनी जननी और जन्मभूमि को, अपने राष्ट्र को हमको उन्नत बनाने का जो एक उत्तम साधन हमको गुरु ने दिया है, उसको हमको अक्षर सा पालन करना है। भारतवर्ष हो या नेपाल राष्ट्र हो, कभी भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज, एक पल के लिए भी इसको ऐसा मानते नहीं कि वो अलग है, हमारा अभिन्न भाव है,
और अभी जैसे यहाँ पर पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम जो शिक्षा संस्थान है, वेलनेस है, धीरे धीरे पूरे नेपाल राष्ट्र में भी वैदिक शिक्षा परंपरा का, गुरुकुल का और वेलनेस का, ये आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होने वाला है। और उसमें आप हजारों हजारों लाखों लाखों भाई बहन, लाखों जो गुरुवर के प्रतिरूप बन करके पूरे नेपाल को जगा रहे हैं, उसमें आपकी बड़ी भूमिका होने वाली है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का, आचार्य जी महाराज का एक बहुत ही स्नेह, उनकी आत्मीयता, उनकी जो भाव, उनकी जो भावना है, वो अत्यंत ही प्रीति के साथ आप सबके प्रति भाव रखते हैं। ये बिल्कुल हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा जो कर्तव्य वो कभी भी हम उससे विमुख ना हो। और परस्पर के व्यवहार में भी हमारा जीवन सुदृढ़ हो, अच्छा हो, उसके लिए निरंतर योगाभ्यास करना। आप सब योगाचार्य योग शिक्षक हैं, सभी है ना, तो योगी का भाव कैसा हो, स्वभाव कैसा हो, तो मन पवित्र हो, वाणी में मिठास हो और कर्म में दिव्यता हो, ठीक है ना। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, मेरे साथ बोलिए, यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि हमारी जैसी भाव चेतना होगी, हमारे जैसे मन में होगा, जैसा मन में होगा वैसा वाणी में आएगा, और जैसा वाणी में आएगा वैसा हम कर्म भी करेंगे, और जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारा संस्कार होगा, वैसा हमारा स्वभाव होगा, वैसे हम बन जाएंगे। इसलिए मन में एक बार भी निराशा नहीं, एक बार भी छल कपट नहीं, एक बार भी ईगो इग्नोरेंस नहीं, अनकंडीशनल सरेंडर। क्या है अनकंडीशनल? हम अपने कार्य को भक्ति के साथ करें, प्रवास करें, प्रमाद ना करें। अपने जिले में, अपने नगर में, तहसीलों में जाएं, संवाद करें, विवाद ना करें। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन कभी कभी कोई बात ना आए तो ये, क्योंकि वाणी है ना, और कुछ भी कभी बोल देते हैं। तो मन, वाणी और व्यवहार परस्पर इतना अभेद होना चाहिए जिसमें कोई भेद हो ही नहीं, और इतना पवित्रता, इतना प्रेम हो कि कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो वो हमारे पिता के समान है, छोटे हैं तो भाई के समान है, माता पिता के समान है। ये संगठन तो अनेक रूपों में, अनेक लोगों के संग जो है साथ, उनके संग, इसीलिए वेद मंत्र कहता है कि संग छद्वम संबद्धम। लगभग 20,000 से ज्यादा मंत्र है चारों वेदों में। कितने मंत्र है? 20,000 से ज्यादा मंत्र, और केवल ऋग्वेद में 10,555 या 52 मंत्र हैं केवल ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में इतने हजारों मंत्रों का उपदेश दे करके अंतिम का जो उपदेश है वो क्या है? ये संगठन सूक्त, संग छद्वम संवदध्वम। बोले कि तुम कितना भी करो लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारा मन एक दूसरे से नहीं मिलता, अगर तुम्हारी वाणी व्यवहार एक दूसरे के साथ नहीं है, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए संग छद्वम, साथ साथ चलो, संवदध्वम, साथ साथ बोलो। मतलब ऐसा नहीं कि एक इधर एक उधर, एक उधर एक, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारा भाव, हमारा विचार इतना निर्मल हो, इतना पवित्र हो, और इससे फिर संगठन इतना मजबूत हो जाता है कि एक आवाज में हजारों हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, हजारों लाखों, क्योंकि स्वामी जी महाराज, आचार्य जी महाराज जब चले तो कितने लोग थे? केवल गुरुकुल से कितने लोग चले थे? 2 लोग। आज ये कारवा 2 से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़, और कई सौ करोड़, अरबों तक ये संगठन, अरबों तक ये संदेश गुरुवर ने दिया है।
इसलिए आप कभी भी निराश हताश ना हो, अपने संगठन की मर्यादा को, अपने गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश आदेश संदेश को कभी भी हमको मन में या स्वप्न में भी कभी उसका तिरस्कार, कभी उसकी अवहेलना नहीं करनी है। ये एक संकल्प, एक भाव हमारे जीवन में सदा ही ओतप्रोत हो। और याद रखना, जैसे मैंने कहा कि कभी कभी कुछ ना कुछ तो प्रसाद कहीं से मिलता है, तो मिलने दीजिए, वो मिलेगा, लेकिन आप कभी भी घबराना नहीं। जैसे फूल खिलता है कांटों के बीच में, कांटों के बीच में फूल खिलता है, कमल खिलता है कीचड़ में, कीचड़ उसको छू भी नहीं सकता। पद्म पत्रम वम भसा, पद्म मतलब कमल के जैसे हमारा जीवन हो कि कीचड़ में खिलने पर भी उसमें जैसे पानी की कोई बूंद, कोई कीचड़ उसको गीला नहीं कर पाता, ऐसे योगी हम बने कि संसार का कोई भी भोग, कोई भी रोग, कोई भी काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट कभी छू भी ना पाए, ऐसा जीवन हमारा हो। और ये होगा, और ऐसा आप जी रहे हैं, और भी हमको निरंतर इसमें आगे गतिविधि करनी है। हाँ, कभी कभी जैसे लगता है कि नहीं ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, क्यों हो गया, फिर भी हमको साहस के साथ, धैर्य के साथ, क्योंकि धैर्य जो कुटुंबी है हमारे परिवार, योगी का परिवार क्या होता है, ऐसे तो माता पिता भाई बहन बेटा बेटी पति पत्नी ये संसार के संबंध है कि नहीं, लेकिन एक सच्चे साधक के, सच्चे योगी के कौन से परिवारी होते हैं, तो भर्तरी हरि बहुत सुंदर बात कहते हैं कि धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरं गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं जानामृतं भोजनं हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखी कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः। एक योगी का परिवार क्या है, धैर्यम यस्य, जो धैर्य है, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, धैर्य जिसका पिता, क्षमा जिसकी माता है, शांति शिरम गेहिनी, और शांति मन की शांति। देखो, थोड़ी सी बात आई और उबल गए, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया गुस्सा आ गया, पारा हाई हो गया, लाल पीले हो गए, ऐसे कभी जीवन चलता नहीं है, योगी नहीं है। अगर किसी ने कुछ बात कही और बिल्कुल आग बबूला हो गए तो समझना योग नहीं किया, क्रोध व्यक्ति को जलाता है। मेरे साथ एक बात बोलिए, सिर पर बर्फ, सभी बोलिए, सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। फिर से बोलिए, सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। ये सच्चे कार्यकर्ता की निशानी है। कैसे, सिर पर बर्फ का मतलब क्या है, कि ऐसा सिर पर बर्फ लेकर के घूमे टहले, ऐसा नहीं ना, सिर पर बर्फ, जैसे देवाधिदेव महादेव के सिर पर क्या विराजता है, चंद्रमा विराजता है ना, शीतलता का प्रतीक है। तो कुछ भी हो जाए तो मस्तिष्क को, इस सिर को क्या रखो, ठंडा ठंडा, कूल रखो, अनुकूल रखो, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दिलो दिमाग को क्या रखो, ठंडा रखो, अच्छा रखो। और मुंह में शक्कर, ऐसा कि मुंह में शक्कर भर के टहलने लगे, कैसा होना चाहिए मुंह,
माधुरी से युक्त हो, मधुरता से।